नमस्कार मित्रों, इल्मिन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज एनडीए गठबंधन की प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो यह वर्तमान का स्वरूप देख रहे हैं, यह अचानक ही इतना विकराल रूप नहीं धारण कर लिया कि वह आज 405 अर्थात 552 लोकसभा की सीटें हैं, 543 पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें 400 पार का नारा दे रही है और बुलंदियों को छू रही है। तो उस पार्टी के विषय में हमें जानना चाहिए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, भारतीय जनता पार्टी की फादर पार्टी कौन सी है, उसकी स्थापना कब हुई, उस पार्टी के संस्थापक कौन थे, क्या वह संस्थापक मूलतः उस पार्टी के थे या किसी पार्टी से निकलकर किसी पार्टी की नीतियों के खिलाफ उन्होंने जाकर एक अपने अलग उद्देश्य से उस पार्टी की स्थापना करते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उत्थान की, लेकिन उसकी उसकी उत्पत्ति, उसके पल्लवित होने की स्थिति से लेकर प्रफुल्लित होने की स्थिति तक आइए हम बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 400 पार का नारा देने वाली पार्टी है। क्या है इसका इतिहास, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के गठन के इतिहास के बारे में, उसके बारे में हम बात कर लेंगे भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीत हार का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी के गठन का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप आज आप देख रहे हैं, उसको इतनी मजबूत राष्ट्रीय पार्टी बनने की कहानी क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए आज बात करते हैं। प्रथम आम चुनाव आजादी के बाद, प्रथम आम चुनाव 1951-52 में होते हैं। 1951-52 में प्रथम नेहरू मंत्रिमंडल के एक मंत्री जिनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उन्होंने उस पार्टी से इस्तीफा देकर एक नए पार्टी के गठन का उनके मन में विचार आता है। 1951-52 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ नाम की इस पार्टी चुनाव में भाग लेती है, जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहते हैं। 1951-52 के आम चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ का विलय जनता पार्टी में होता है। जनता पार्टी में कब विलय होता है, 1977 में जनता पार्टी में जनसंघ का विलय होता है। क्यों विलय होता है, क्योंकि जो इमरजेंसी की स्थिति थी, उस इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए और जो जनसंघ था वह नहीं चाहता था कि कांग्रेस सत्ता में आए, कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए जनसंघ ने जनता पार्टी को समर्थन दिया। स्थापना होती है, फिर जनता पार्टी होती है, उससे फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। तो आइए एक एक करके हम पहले भारतीय जनसंघ के बारे में बात करेंगे, जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। संघ, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। पार्टी ने 1951-52 का आम चुनाव लड़ा, लेकिन उसे मात्र 3 सीटें मिली। पहले ही आम आदमी पार्टी जैसी नहीं कि पहले ही चुनाव में, पहले ही विधानसभा के चुनाव में उसे बहुमत मिल जाता है और सरकार बना लेती है, वैसा नहीं था। भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की, 1951 के आम चुनाव में, 51-52 के आम चुनाव में वह पार्टी चुनाव लड़ती है, अपने मुद्दों के साथ जाती है प्रचार में, अब लोगों के सामने, देश के सामने अपने मुद्दे रखती है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है और मात्र 3 सीटों से ही उसको संतुष्टि करनी पड़ती है। उसी समय भारतीय जनसंघ की स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य था वो कश्मीर की एकता को लेकर था, गौरक्षा को लेकर था, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को लेकर था, परमिट लाइसेंस, कोटा राज आदि को समाप्त करने जैसे उस समय भारतीय जनसंघ के मुद्दे थे। कांग्रेस का विरोध करने के लिए जनसंघ ने जयप्रकाश नारायण का साथ दिया। जयप्रकाश नारायण ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा दिया, सिंहासन हटाओ की जनता आती है। भारतीय जनसंघ ने जयप्रकाश नारायण का साथ दिया। जयप्रकाश नारायण का साथ इसलिए दिया क्योंकि वह कांग्रेस को हटाए, इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बेदखल करे। और तो तब जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण ही ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक छत्र राज कर रही कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। बहरहाल अकेले दम पर वह बेदखल नहीं कर पाए, उसको बेदखल करने के पीछे भारतीय जनसंघ जैसी और छोटी मोटी पार्टियों का सहयोग था। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। 1975 में आपातकाल की घोषणा होती है, बड़े बड़े विरोधी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया जाता है, जनता इससे भयभीत हो जाती है, जनता के भयभीत का लाभ उठाकर चुनाव होता है और उसमें कांग्रेस पार्टी की हार होती है। जनता पार्टी 1977 में आपातकाल समाप्त होता है,
1977 का लोकसभा का आम चुनाव होता है, जो छठवीं लोकसभा का आम चुनाव है, उसमें उसमें कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिलती है और भारत और जनता पार्टी को 295 सीटें प्राप्त होती है। 21 मार्च को चुनाव का परिणाम आता है। बड़े बड़े नेता, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार जाती है, संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव हार जाते हैं और जयप्रकाश की आंधी में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से परास्त हो जाती है और जनता पार्टी 295 सीटें प्राप्त कर फिर सरकार बना लेती है। 24 मार्च 1977 को 81 वर्षीय नेता मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं। जो जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनको विदेश मंत्री बनाया जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी को दूर संचार मंत्री बनाया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया जाता है, लेकिन सरकार 30 माह में ही गिर जाती है। सरकार ज्यादा चल नहीं पाती है, 30 माह में ही सरकार गिर जाती है, अर्थात अल्पमत में आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 1980 के आम चुनाव में पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ते हुए जनसंघ का नाम भारतीय जनता पार्टी रखते हैं। प्रश्न यह उठता है कि भारत जो जनसंघ था उसने भारतीय जनता पार्टी से नाता क्यों तोड़ा? मंडल कमीशन की नियुक्ति होती है, मंडल कमीशन की नियुक्ति जो अनुसूचित लोग हैं और अनुसूचित जनजाति है उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए उस कमीशन की को गठित किया जाता है। अब जनसंघ को यह लगने लगता है कि मैं जिस पार्टी में विलयित हो गया हूं, जिस पार्टी को हमने समर्थन दिया है, वह पार्टी तो हमारे ही मुद्दों से हमें दूर ले जा रही है और वो अपना कहीं ना कहीं अलग जनाधार स्थापित करना चाहती है। इस दूरदर्शिता को देखते हुए उस समय के जो जनसंघ के नेता है वो जनता पार्टी से नाता तोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अधिवेशन दिसंबर के महीने वर्ष 1980 में मुंबई में होता है और अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे की कहानी होती है, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और आम चुनाव होता है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां नया मोड़ ले लेती हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव में कांग्रेस 3/4 बहुमत से जीत जाती है और इस चुनाव को राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाता है, राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के पुत्र हैं। बीजेपी को इसमें मात्र 2 सीटें मिलती हैं। जनसंघ जो बीजेपी की पितृ पार्टी थी, पिता थी, भारतीय जनता पार्टी उसी की पार्टी है, उसी की बनाई, उसी की एक शाखा है, उसको भी जब वो पहली बार चुनाव लड़ा था जनसंघ तो उसे मात्र 3 सीटें मिलती है और लेकिन जब चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी पहली बार तो उसे मात्र 2 सीटें प्राप्त होती है। 1989 का आम चुनाव, 1989 का आम चुनाव होता है। भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल से सीटों का तालमेल करती है और बीजेपी को 89 सीटें मिली। वर्ष 1991 का समय आता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह में पिछड़ी जातियों और जनजातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हैं। यही वो कारण है जिसके चलते भाजपा ने अपने हिंदुत्व को मुद्दों को दोबारा उठाती है। भाजपा यह देखती है कि मैं जिस पार्टी को समर्थन दे रहा हूं उस पार्टी में तो हमारी जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ जनसंघ की स्थापना की गई थी और वही जनसंघ आगे चलकर करीब 30 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी का रूप लेता है, उसका जो मुद्दा है उस मुद्दे से हटकर जनता पार्टी अपने अलग मुद्दे को, एक अलग भारत में एक अलग जन समुदाय को, अपने वोट बैंक को तैयार कर रही है महसूस होने लगा जब उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। पुनः भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर आती है और अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का नारा बुलंद करती है। उसके बाद आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा करते हैं। वर्ष 1991 में एक नया मोड़ आता है और चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। उस समय पुनः भाजपा को ज्यादा सीटें तो मिलती हैं लेकिन सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी को 1991 के चुनाव में मात्र 119 सीटें मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि हमारे जो मुद्दे हैं, बाबरी मस्जिद के जगह पे राम मंदिर बनाना, गौ हत्या को बंद करना, कश्मीर का एकीकरण, धर्म आधार पर हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवादी छवि के रूप में अपनी पार्टी को उभार कर एक नया मुद्दा देना, यह कहीं ना कहीं पार्टी को एक बार पुनः सत्ता में ला सकता है।
कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन पीवी नरसिंहा राव अल्पमत की सरकार चलाते हैं। होती है भारतीय जनता पार्टी की जीत और हार का सिलसिला। 1996 का आम चुनाव होता है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। अटल बिहारी वाजपेयी को शंकर दयाल शर्मा जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनको सरकार बनाने का न्योता देते हैं। अटल बिहारी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन 13 दिन का जो समय होता है वह अपने सरकार में बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं और उनकी सरकार गिर जाती है। लेकिन बहुमत सही साबित नहीं कर पाते हैं और मात्र सरकार 13 दिनों में गिर जाती है। पुनः कांग्रेस के बाहरी समर्थन से एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकारें बनती हैं, लेकिन ये लोग भी एक एक साल का अपना टेन्योर लगभग पूरा करते हैं और सरकारें चल नहीं पाती है। समय आता है 1998 में आम चुनाव का। 1998 का जो आम चुनाव होता है, बीजेपी को 181 सीटें मिलती है, गठबंधन की सरकार बनती है, वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन सरकार पुनः गिर जाती है क्योंकि जयललिता ने इस गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया होता है। 1998 एनडीए गठबंधन बनता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनता है, उस 13 पार्टियों का दल होता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन सरकार, ये भी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है क्योंकि जयललिता के द्वारा दिया गया समर्थन सरकार से वापस ले लिया जाता है। 99 में पुनः आम चुनाव होते हैं, भाजपा ने 23 सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन का नाम दिया जाता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं और 2004 से 2014 तक गैर एनडीए की सरकार रहती है। इसका मतलब 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार बनती है। सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती है। यही प्रथम समय होता है जब अटल बिहारी वाजपेयी को नेतृत्व के लिए जाना जाने लगता है कि 23 पार्टियों की सरकार, 23 सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार को भारत में कैसे चलाया जा सकता है, क्योंकि सभी पार्टियों के अपने अपने हित होते हैं, सभी के अपने अपने हित सर्वोपरि होते हैं, सभी के हितों का ध्यान रखते हुए, सभी के हितों को मर्यादित करते हुए, सभी के हितों को पालित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गठबंधन की सरकार को प्रथम 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करवाते हैं और तब से अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। उसके बाद 2004 का चुनाव होता है, 2009 में फिर आम चुनाव होते हैं, उसमें यूपीए गठबंधन मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार 10 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन यह सिलसिला 2014 के बाद थम जाता है। कांग्रेस की गठबंधन वाली यूपीए सरकार 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद सरकार बनाने में असफल हो जाती है। पुनः समय आता है 2014 के आम चुनाव का। 2014 के आम चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता है, एनडीए गठबंधन की सरकार को 282 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 44 सीटें मिलती हैं। नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक नया प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का नाम उभर कर आता है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वर्ष 2014 से 2019 तक। पुनः 2019 का आम चुनाव होता है और उसमें पुनः भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन एनडीए गठबंधन को पुनः पूर्ण बहुमत मिलता है और सरकार चलती है 2024 में वर्तमान तक। 2024 जो 17वीं लोकसभा का चुनाव है उसका टेन्योर 21 जून को समाप्त होने वाला है, 21 जून 2024 को, उसके पहले ही 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। देखना यह है कि सत्ता में आसीन 2014 से सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आती है या फिर इंडिया गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आती है। एनडीए गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी शीर्ष प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, क्या वह तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी कर पाती है या यूपीए गवर्नमेंट जैसा ही इसका भी हाल होता है और 10 वर्षों के अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः सत्ता से बहुत दूर चली जाती है, कहानी 4 जून के बाद स्पष्ट होगी जब 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया कांग्रेस समर्थन वाली इंडिया को बहुमत मिलता है या बीजेपी समर्थित एनडीए सरकार को, एनडीए गठबंधन को। ये रही 2 सीटों से जिस पार्टी की स्थापना होती है, स्थापित पार्टी जो मात्र 2 सीटें चुनाव में जीतती है, आज 400 पार का नारा दे रही है।
इस नारे में कितना दम है यह तो 2014 से 2024 तक के इस कार्यकाल को हम देखकर ही समझ गए होंगे। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पुनः नई कक्षाओं के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।